गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, इट्स ऑल क्लियर नाउ? चेक, यस सर। ओके, टुडे वी आर स्टार्टिंग टू वर्नियर कैलिपर्स, डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स, डिस्कस देयर हाउ टू टेक द रीडिंग्स एंड डिस्कस देयर हाउ टू फाइंड द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब आ चुके होगे शायद, देखते हैं। Still are found. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे वर्नियर कैलिपर्स की तरफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है। सो हम इस एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में देख रहे थे वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज और स्पेरोमीटर की जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, टैकल कैसे करते हैं और साथ ही साथ उसके लिस्ट काउंट और मेन रीडिंग कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो हमारा इंस्ट्रूमेंट लिया था वो था वर्नियर स्केल, और इस वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला था वो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लिस्ट काउंट, यस एनीवन, बताएगा कोई, बताएगा मुझे इसका फॉर्मूला क्या हो, क्या था? यस एनीवन, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। यस स्पीक, यस एनीवन। 1 MSD इनटू ब्रैकेट 1 - m/n। वेरी गुड, वो फॉर्मूला था 1 MSD मल्टीप्लाई बाय 1 - m/n। ये फॉर्मूला कैसे आया था इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने लिस्ट काउंट क्या था इसके बारे में डिस्कस किया। एनी जस्ट एनीवन टेल मी व्हाट इज मीन बाय लिस्ट काउंट, व्हाट इज मीन बाय लिस्ट काउंट, बोलो जल्दी बोलो। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। वेरी गुड, जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट रहता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हम कहते हैं लिस्ट काउंट, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। सो इसीलिए हमने एग्जांपल लिया था हमारे स्केल का, मीटर स्केल का या सेंटीमीटर स्केल का, उसका जो लिस्ट काउंट था वो डेसिबल के बाद एक ही डिजिट में आता था। लेकिन अभी आज हम इस इंस्ट्रूमेंट का, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट का फॉर्मूला देखने वाले हैं, कितने फॉर्मूला कहाँ से आता है वो इस तरह से। लेकिन सबसे पहले हम सोचते हैं, डिस्कस करते हैं इस लिस्ट काउंट के बारे में। सबसे पहले वही लिस्ट काउंट का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो हमने इस वर्नियर कैलिपर को डिस्कस किया था, इस वर्नियर कैलिपर को, ये हमारा वर्नियर कैलिपर था, ये इसके लोअर जॉस थे, ये इसके अपर जॉस थे, और लोअर जॉस मेजर किए जाते हैं आउटर, लोअर जॉस यूज किए जाते हैं आउटर मेजरमेंट्स के लिए या फिर एक्सटर्नल मेजरमेंट्स के लिए। जो अपर जॉ रहती है वो इंटरनल मेजरमेंट्स के लिए यूज की जाती है। फिर यहाँ पर प्रोब, ये वाला प्रोब डेप्थ मेजर करने के लिए यूज करते हैं। फिर इस वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर दो स्केल होते हैं, एक स्केल को हमने कहा था मेन स्केल, एक्चुअली जो फिक्स रहती है उसे हमने कहा था मेन स्केल, और जो मूव होती है, घूमती है यहाँ पर, तो उसे हमने कहा था वर्नियर स्केल। फिर यहाँ पर उसके एडजस्टमेंट थे, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था, और साथ ही साथ हमने लिस्ट काउंट कैसे फाइंड किया था उसके बारे में भी डिस्कस किया था। जैसे कि हमारी ऑर्डिनरी स्केल होती है, तो उस ऑर्डिनरी स्केल, जब हम कोई भी हमारी ऑर्डिनरी स्केल देखते हैं तो ये 0 to 1 के बीच में 10 डिवीजन आती है। सो हमने इसके लिस्ट काउंट कैसे फाइंड किया था, 10 डिवीजन इज इक्वल टू आता था हमारा 1 cm जितना, यानी 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, यही तो हमारी लिस्ट काउंट थी। सो 1 डिवीजन होगा 1/10 cm, तो वो आता था 0.1 cm। ये था हमारे ऑर्डिनरी स्केल का मेजरमेंट, लिस्ट काउंट। लेकिन इस वर्नियर कैलिपर में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सब, वर्नियर कैलिपर में दो स्केल, यानी अगर हम इसे गौर से देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है, ये होती है उसकी मेन स्केल। इस मेन स्केल पर मानते ये रहा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10,
ये रहा वन, फिर आते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये रहा टू, फिर यहाँ पर होगी कोई वर्नियर स्केल, यहाँ पर ऐसी कोई वर्नियर स्केल, और इस वर्नियर स्केल में ध्यान देना, इस वर्नियर स्केल में होते हैं 10 डिविजन। अब ऑर्डिनरी जब भी वर्नियर स्केल पर लोगे तो उसमें 10 डिविजन रहते, प्रॉब्लम्स में आपको डिविजन चेंज कर भी दिए होते, यानी ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि वर्नियर कैलिपर की 10 ही डिवीजन हो, सकता है 11 डिवीजन हो सकता है 20 डिवीजन हो, तो यहाँ पर काफी सारे डिवीजन रहती है ये डिवीजन। तो हम क्या करते हैं, ये कितने डिवीजन से हमारी मेन स्केल बनी है, तो हमने फॉर एग्जाम्पल ले लिया कि 10, ये जो रीडिंग्स होती है इसे हम कहते हैं VSD वर्नियर स्केल डिवीजन, इसे हम कहते हैं MSD मेन स्केल डिवीजन, ध्यान देना VSD का मतलब होता है VSD यानी वर्नियर, ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी ने मिस किया होगा कल का लेक्चर, परसों का लेक्चर, तो आपको ये क्लिक हो जाएगा। सो ये था हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन। फिर आते हम MSD की तरफ, MSD होता है हमारा मेन स्केल डिवीजन, तो यहाँ पर कितने डिवीजन थे, मानते हैं यहाँ पर 10 डिवीजन थे, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन थे, और इस 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से बनता है, इन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से बनता है मानो हमारा ये वाला 0 to 1 cm यानी 1 MSD बनता है, 1 MSD। तो इसका लिस्ट काउंट कैसे फाइंड किया जाए, सो इस स्केल का लिस्ट काउंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लिस्ट काउंट आता है एक्चुअली, असल में डिफरेंस है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, इसे हम ऐसे भी लिखते हैं 1 MSD माइनस 1 VSD, इन दोनों का डिफरेंस, यानी ये रहा वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट। सो हो सकता है 10 डिवीजन ना हो, 10 से ज्यादा हो, तो हो सकता है ऐसे भी हो कि 11 वर्नियर स्केल डिवीजन हो, और इस 11 वर्नियर स्केल से मान लो कई 2 MSD बन रहा हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन हो, और 20 वर्नियर स्केल डिवीजन से हमारा 3 MSD बन रहा हो, तो कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि 10 डिवीजन से इतना। हाँ, लेकिन अगर ऑर्डिनरी वर्नियर स्केल डिवीजन हो तो उसका कैसे लिस्ट काउंट फाइंड किया जाता है वो हम आपको सिखा देते हैं, लेकिन अभी समझ लो कि हो सकता है 10 डिवीजन हो, 11 डिवीजन हो, 20 डिवीजन हो, इन डिवीजन से बनता हुआ हमारा 1 MSD, 2 MSD, 3 MSD। अगर रिवर्स में देखोगे आप तो 1 MSD इज इक्वल टू आप कहोगे 10 VSD, 10 VSD जितना बराबर होगा, यानी ये हमारा 1 MSD 1 वर्नियर स्केल इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन, ये हो जाएगा हमारा 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, जितना आप कैसे भी पढ़ सकते हो, जितना आपको आसान लगे। तो मैं इसे ऐसे ही पढ़ूंगा कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से बनता है 1 MSD, हो सकता हो 11 वर्नियर स्केल डिवीजन से बन रहा हो 2 MSD, हो सकता हो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन से बन रहा हो 3 MSD। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा लिखता हूँ, n वर्नियर स्केल डिवीजन से बन रहा है हमारा m MSD। तो ये n क्या है, यहाँ पर ये n है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, सुनाई दे रहा है सबको, तो ये n क्या था, यस बोलो, यस सर, ओके, ये n क्या था, n को हम कहेंगे इट इज अ नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ये असल में बता रहा है कि वर्नियर स्केल पर कितनी डिविजन्स होगी, और ये यम क्या है, तो ये यम है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन मेन स्केल। तो अगर हम यहाँ पर 1 VSD की वैल्यू को फाइंड करेंगे इस रिलेशन से, अगर हम 1 VSD की वैल्यू को पता करेंगे तो वो कितनी आएगी, 1 VSD इज इक्वल टू बोलो कितनी आती है, ये
Yes, anyone? 1 VSD is equal to. Bolo. Jaldi bolo. 1 MSD. 1 VSD is equal to. Is relation se batana. Is relation se. Is relation. M upon N MSD. M upon N MSD. Very good. M upon N. Multiply by क्या आने वाला है यम यस डी. सो इसी रिलेशन को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं ये वाली वैल्यू. सो मानते हैं इस इक्वेशन टू, इस इक्वेशन टू को इक्वेशन वन में अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया तो लिस्ट काउंट आता है. लिस्ट काउंट का एक जनरल फॉर्मूला बनता है. लिस्ट काउंट का जनरल फॉर्मूला ये आपके सामने. वन एम एस डी माइनस यम अपॉन यन मल्टीप्लाई बाय एमएसडी, यानी ये होगा एमएसडी. तो यहां से एमएसडी एमएसडी कॉमन लेते. सो अंदर क्या रहा, वन माइनस यम अपॉन यन. ये किसी भी लिस्ट काउंट, किसी भी वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट पता करने के लिए फॉर्मूला है. ध्यान रखना, किसी भी लिस्ट वर्नियर कैलिपर का अगर आपको लिस्ट काउंट फाइंड करना हो, ये बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला याद रखना. वही फॉर्मूला आपको यूज होगा. मैं फिर से लिखता हूँ, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, एनी वर्नियर कैलिपर इज लिस्ट काउंट इज इक्वल टू एम एस डी मल्टीप्लाई बाय वन माइनस यम अपॉन यन. सो यहाँ तक हम आए थे. आज मैंने आपको एक नई चीज बताई, यानी कि यम क्या था. यम है नंबर ऑफ, फिर से लिखता हूँ, नंबर ऑफ डिविजन ऑन मेन स्केल. और यन क्या था, यन को हम कहेंगे नंबर ऑफ डिवीजन जबकि वो होगी वर्नियर स्केल पर, वर्नियर स्केल पर. ओके, तो आई थिंक सो आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो चुका होगा. ये फॉर्मूला याद रखना, लिस्ट काउंट वाला फॉर्मूला. लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होगा ये रहा आपके सामने. List count is equal to 1 MSD is equal to 1 minus M upon N. M को हम लिखेंगे, मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पर. जितने बार लिखूंगा अब उसे याद करिएगा. M is equal to होगा main, sorry, number of division on vernier, फिर से गलत हुआ, main scale के ऊपर. On main scale और यन था number of division on vernier scale. अब हम find करेंगे हमारे ordinary, ध्यान रखना, अब हम find करेंगे हमारे ordinary जो vernier caliper था उस ordinary vernier caliper का list count. So list count of जो हम lab में use करने वाले हैं उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट हम फाइंड करेंगे. लिस्ट काउंट ऑफ जनरल वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर. अब क्या होता है, ध्यान देना. मैं यहाँ पर शायद मेरे पास डायग्राम होगी तो इसे सब्स्टिट्यूट करता हूँ. तो ये हमारा ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर, ये वाला, ठीक है, ये ऑर्डिनरी वर्नियर. अब इसमें क्या होता है, ध्यान दो, जो हमारी ये मेन स्केल होती है, ये मेन स्केल मानते हैं यहाँ जीरो है, 1 2 3 4 तो पढ़ा लिखते थे. ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. फिर आगे आपको पता है. और यहाँ पर होती है हमारी वर्नियर स्केल, ये वाली छोटी सी वर्नियर स्केल, छोटी सी ये वाली वर्नियर स्केल. और इस वर्नियर स्केल में होते हैं 10 डिविजन्स. ऑर्डिनरी जनरल वर्नियर कैलिपर में होते हैं 10 डिविजन्स. और ये 10 डिविजन्स इज इक्वल टू होते हैं 9 एमएसडी बराबर. यानी ये रहा हमारा 1 डिवीजन 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. तो यहां पर ध्यान दो, कितने डिवीजन से, 10 डिवीजन से. कहां पर, वर्नियर स्केल पर. और ये 10 डिवीजन इज इक्वल टू है
एमएसडी पर यानी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू है 9 मेन स्केल डिवीजन जितने। जब आप लैब में आओगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, ये 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू है 9 एमएसडी जितने। और हमारे लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू होगा 1 एमएसडी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एम अपॉन एन। ये हमारे असल में लिस्ट काउंट वाला फॉर्मूला है। सो यहाँ पर हमें पता क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर यम की वैल्यू को हम पता करते हैं। तो यम वैल्यू यानी ये होती है, यन की वैल्यू को पता करते हैं, यन वैल्यू यानी ये होती है। तो हमें यहाँ पर यम और यन की वैल्यू पता चल चुकी। अब हम पता करेंगे 1 एमएसडी कितना है। सो ये रही हमारी मेन स्केल, मैं फिर से यहाँ अब वर्नियर स्केल ध्यान देना, जब भी मैं 1 एमएसडी की वैल्यू को पता करूंगा, ध्यान दो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी मैं 1 एमएसडी की वैल्यू को पता करूंगा तब मैं वर्नियर स्केल डिवीजन रोल में नहीं लूंगा, यानी मैं वर्नियर स्केल डिवीजन रीड नहीं करूंगा, सिर्फ मुझे 1 एमएसडी की वैल्यू कितनी है वो पता करनी। तो 1 एमएसडी कितना होगा, तो मैं फिर से यहाँ पर लिखता हूँ, हमारी ये मेन स्केल है, ये जीरो है, ये रही हमारी 1 एमएसडी, ये 2 एमएसडी, ये 3 एमएसडी, ये 4 एमएसडी, ये 5 एमएसडी, ये 6 एमएसडी, ये 7 एमएसडी, ये 8 एमएसडी, ये 9 एमएसडी और यहाँ पर ये 10 एमएसडी, यानी इसे हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। तो अब बताना 1 एमएसडी की वैल्यू कितनी है। यस एनीवन, 1 एमएसडी यानी इस स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू, इस स्मॉलेस्ट और 0.1 सेंटीमीटर। वेरी गुड, मैंने आपको सिखाया है कि स्केल की तरह इसे ट्रीट करो, यानी 10 डिवीजन से बन रही है 1 सेंटीमीटर। तो 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, 1/10 सेंटीमीटर। सो ये आती है 0.1 सेंटीमीटर। बात समझ में आई, बोलो जल्दी, बात समझ में आई। 1 एमएसडी की वैल्यू को कैसे पता करते हैं, फिर से समझ लो, 1 एमएसडी की वैल्यू मैंने फाइंड की, कैसे फाइंड की, मैंने सिर्फ मेन स्केल को रोल में लिया, सिर्फ मेन स्केल, और मेन स्केल की 1 डिवीजन यानी वो स्मॉलेस्ट डिवीजन थी, तो मैंने देखा कि 0 टू 1 के बीच में 10 डिवीजन्स थी और इस 10 डिवीजन्स इज इक्वल टू थी 1 सेंटीमीटर जितनी। तो 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी रही, 1/10, सो ये आती है 0.1। सो बस अब हमारे पास 1 एमएसडी की वैल्यू पता है 0.1 सेंटीमीटर, यम की वैल्यू पता है 9, यन की वैल्यू पता है 10, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, लिस्ट काउंट आपका ये रहा 1 एमएसडी इज इक्वल टू 0.1, 1 माइनस 9/10, सो कितना आता है 0.1, यहाँ पर हो जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 10, सो लिस्ट काउंट कितना आता है बोलो। यस एनीवन, चलो बताओ लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर आपके सामने है, अब 0.1 आपके सामने, 0.1 × 1/10 ये सेंटीमीटर में आएगा लिस्ट काउंट, ध्यान देना हमेशा, क्योंकि यम अपॉन यन ये डिविजन्स है, तो लेकिन एमएसडी तो सेंटीमीटर में रहा ना, तो इसीलिए इसका लिस्ट काउंट आता है सेंटीमीटर में। बोलो लिस्ट काउंट कितना आएगा, बोलो 0.01। वेरी गुड वेरी गुड, सो इसका लिस्ट काउंट आता है 0.01 सेंटीमीटर। ये जनरल वर्नियर कैलिपर हम हमेशा लैब में यूज करेंगे, तो ध्यान देना जब भी आपको कोई, जब भी हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं 12 के, तो आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर पूछता है वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट बताना, तो ध्यान देना वर्नियर कैलिपर का जो लैब में हम यूज करेंगे उस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। जो भी हमारे दूसरे कोई इंस्ट्रूमेंट हो गए तो उस दूसरे इंस्ट्रूमेंट का ये वाला लिस्ट काउंट नहीं है, वो अलग है, सिर्फ वर्नियर कैलिपर एक ही हमारा एक लौता ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका लिस्ट काउंट है 0.01। अब ध्यान दो हमारे ऑर्डिनरी स्केल का लिस्ट काउंट कितना था, 0.1 सेंटीमीटर जितना, अब हमारे वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर। अब मुझे बताना ये हमारी ऑर्डिनरी स्केल है या हमारा वर्नियर कैलिपर है,
आप सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसे दोगे, वर्नियर कैलिपर को दोगे या स्केल को दोगे, बोलो जल्दी। आप प्रेफरेंस किसे दोगे, मतलब आप मेजरमेंट किससे करोगे, वर्नियर कैलिपर से करोगे या स्केल से करोगे, बोलो। वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, लेकिन क्यों वर्नियर कैलिपर का यूज करेंगे आप? क्योंकि हम पॉइंट से ज्यादा, मतलब 5.27 होता है, तो उसको मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर चाहिए। वेरी गुड, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है जितने डिजिट बढ़ेंगे, ध्यान दो, जितने डिजिट बढ़ेंगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतनी क्या बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, और जितने एक्यूरेसी बढ़ेगी उतना हमारा रिजल्ट सही आएगा। तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करते हैं कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक्यूरेसी बढ़ रही हो, एक्यूरेसी बढ़ेगी डिजिट शिफ्टिंग से, तो जितने डेसिमल आएंगे उतने हमारे रीडिंग एक्यूरेट होगी। सो होप सो आप सभी को लिस्ट काउंट ऑफ जर्नल वर्नियर कैलिपर कैसे फाइंड करते हैं वो हमने यूज किया, यानी वो हमने फाइंड किया। सो सबसे आसान सा फॉर्मूला था, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD इज इक्वल टू 1 - m/n। अब ध्यान दो, मैं यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम लेने वाला हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं फिर से बताता हूँ, जब भी आप इस स्क्रीनशॉट ले लेना, जब भी आप इस तरह के प्रॉब्लम वर्नियर कैलिपर की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो कंसेप्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करना, ठीक है, कंसेप्ट पर। चलो प्रॉब्लम्स लेते हैं आप विदाउट वेस्टिंग इन टाइम। सो प्रॉब्लम ये रहा आपके सामने, ये प्रॉब्लम था जेई 2010। ध्यान देना, उस टाइम कोई ऐसी सेपरेट एग्जाम नहीं रहती थी कि मेंस की अलग हो, एडवांस की अलग हो, 2010 को। सो सब एक ही एडवांस ही एग्जाम होती थी उस टाइम। सो ये एडवांस का क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान देना अच्छे से सॉल्व करना। इन अ वर्नियर कैलिपर द मेन स्केल is marked in millimeter। तो आपका ये फर्स्ट वाला प्रॉब्लम है जो कि हम आपका शायद 11 जब से हमारा कोचिंग स्टार्ट हुई तब से आपका ये फर्स्ट वाला कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रॉब्लम है, तो अच्छे से सॉल्व करना। एंड 20 वर्नियर स्केल डिवीजन are equal to 16 main scale division पूछा है, calculate list count। तो मैं इसे सॉल्व करने वाला हूं। ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन ए 0.02 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 0.05 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 0.1 मिलीमीटर, और ऑप्शन डी ये रहा आपके सामने 0.2 मिलीमीटर। तो आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर है 0.01 सेंटीमीटर जितना, तो यहाँ पर दो ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यही दो इन दोनों में से कोई ऑप्शन सही होगा। अगर आप ऐसा मान रहे हो तो ध्यान देना आपकी प्रोसेस गलत है। सर ऑप्शन बताता हूँ, 02 ऑप्शन नहीं प्रांजल, फिर से सॉल्व करो। सो चलो हम सॉल्व कर दे, ध्यान दो। अब हम लेते हैं हमारा लिस्ट काउंट का जनरल फॉर्मूला। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है 1 MSD is equal to 1 - m/n। So m क्या है, MSD main scale division है, n क्या है, VSD यानी vernier scale division। अब हम पता करते हैं सबसे पहले m value कितनी है, तो यहाँ पर दिए in a vernier caliper the main scale is marked in millimeter। So main scale mark की है millimeter में, यानी 1 MSD की value है वो है 1 millimeter, 1 MSD की वैल्यू। और आगे दिया है 20 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन। सो ध्यान दो, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू
16 मेन स्केल डिवीजन इस तरह से। सो एन वैल्यू कितनी है अब 20, एम वैल्यू कितनी है अब 16। सो सब आपके सामने रेडी। 1 msd की वैल्यू यहाँ पर दिए है मार्क इन 1 मिलीमीटर। सो मेन स्केल जो कि ऑप्शन क्वेश्चन में ही दिया था, मेन स्केल मार्क की है आपको 1 मिलीमीटर जितनी। यानी अब आप फॉर्मूला होगा लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 msd की वैल्यू है 1 मिलीमीटर, 1 माइनस यम की वैल्यू है 16 और यन की वैल्यू है 20। अब सॉल्व करो। डी ऑप्शन, ऑप्शन डी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब प्रांजल आ चुका है आपका आंसर, ऑप्शन था ऑप्शन डी। ठीक है, और किसी ने, लड़के ने भी आंसर दिया था, नाम बताना बेटा अपना। वेरी गुड भोसले। सो इसका आंसर था ऑप्शन डी 0.2 मिलीमीटर। ध्यान देना हमारी स्केल मिलीमीटर में थी, हमारी स्केल मिलीमीटर में थी। ऑप्शन पर ध्यान दो, ऑप्शन भी मिलीमीटर में था। अगर ऑप्शन सेंटीमीटर में होता तो कन्वर्ट करना पड़ता, जबकि हमें ऑप्शन में कुछ भी नहीं दिया था, ऑप्शन भी मिलीमीटर में था तो कोई कन्वर्जन की जरूरत भी नहीं थी। तो ये रहा आसान सा सवाल आपके लिए जेई 2010 का। आसान था, बोलो जल्दी। यस, कमेंट करना, समझ में आया क्या? क्या कोई डाउट है बोलो, क्या कोई डाउट हो, डाउट है, एनी डाउट प्लीज आस्क। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सो स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से, फिर से हम वही प्रीवियस ईयर वाला प्रॉब्लम लेते हैं। ये रहा प्रॉब्लम, अब आपके लिए ये प्रॉब्लम है, जेई 2003 का प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम दिया है यन डिविजन्स, यन डिविजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू यन प्लस 1 डिविजन of vernier scale. If each division on main scale measures a units, ये ए रहा ए यूनिट्स, और पूछा है आपसे फाइंड लिस्ट काउंट। ऑप्शन ये रहे आपके सामने, ऑप्शन ए 1 upon a multiplied by n plus 1, ऑप्शन बी है a upon n plus 1, ऑप्शन सी ए मल्टीप्लाई बाय एन प्लस वन, और ऑप्शन डी ये रहा आपके सामने 1 upon n plus 1। बोलो, यस, सॉल्व करो जल्दी और आंसर बताना। ऑप्शन टू। वेरी गुड प्रांजल, सो इसका ऑप्शन था सही, ऑप्शन सेकंड a upon n plus 1। सो होप सो सभी का आ चुका होगा। कितने बच्चों का आया? ओके, सुमित पगार, वेरी गुड सुमित पगार, विराज, प्रांजल, भोसले, सुदेश, ओके, साथ ही साथ जोशी, अभिषेक, प्रीति, लहारे, गुड। जो जिन बच्चों का नहीं आया उनके लिए हम इसे फिर से सॉल्व करते, कोई दिक्कत नहीं। सो फिर से देखते हैं यहाँ पर क्या दिया था, यन डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू था यन प्लस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। सो सिंपल है ना, n प्लस 1 वर्नियर स्केल इज इक्वल टू हो जाएगा n मेन स्केल जितना। यानी आपके पास m की वैल्यू है n और n की वैल्यू है स्मॉल n की वैल्यू है n प्लस 1। और आगे क्या दिया था देखो, ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल मेजर a यूनिट, यानी 1 msd की वैल्यू भी दी है कितनी है a। सो वही हमारा लिस्ट काउंट वाला फॉर्मूला
वन एम एस डी वन माइनस एम अपॉन एन, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये रहा हमारा ए, ये रहा वन माइनस एन अपॉन एन प्लस वन, तो इसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व करोगे तो ये आता है ए अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, तो ये आसान है ना, आप अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। यस एनी डाउट प्लीज आस्क, बोलो जल्दी, क्या कोई डाउट हो, क्या कोई दिक्कत है, बोलो, एनी डाउट प्लीज आस्क, इज इट एनी डाउट, बोलो जल्दी, क्या कोई डाउट है, फिर से लेना इस प्रॉब्लम को, फिर से लेना इस कंसेप्ट को, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम लेने वाले हैं, यहाँ पर हमने फाइंड किया लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, अब हम हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेंगे कि एक्चुअली वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट कैसे की जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज रीडिंग्स, रीडिंग्स पेन बदल लेते हैं, चलो अच्छा वाला चाहिए, सो रीडिंग ऑफ, रीडिंग ऑफ वर्नियर, वर्नियर कैलिपर, अब ध्यान देना, जैसे मैंने इसके यूजेस लिख दिए थे, जो भी यूजेस थे कोई उन यूजेस होते हैं, हमारी डायमीटर फाइंड करना, सिलेंडर की डेप्थ फाइंड करना, इनर डायमीटर फाइंड करो, आउटर डायमीटर फाइंड करो, या फिर रेडियस मेजर कर सकते हो आप वर्नियर कैलिपर से। सो अभी हमने देख लिया इसके लिस्ट काउंट का फॉर्मूला, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला बिल्कुल आसान था, फिर से लिखता हूँ, वन एम एस डी इज इक्वल टू वन माइनस एम अपॉन एन, लेकिन असल में मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो अब चलते हैं वर्नियर कैलिपर्स की मेजरमेंट की तरफ। यहाँ पर ये जो प्रोसेस मैं बताऊंगा, ये प्रोसेस हम विदाउट जीरो एरर लेंगे, विदाउट जीरो एरर, ठीक है, फिर हम जीरो एरर कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लेते हैं हमारे उसी डायग्राम को, ये वाले डायग्राम को, डायग्राम को लेते हैं, वर्नियर कैलिपर की डायग्राम के सामने, अब ध्यान दो इसकी मेजरमेंट्स कैसे करते हैं हम। तो जब भी हम इसकी मेजरमेंट्स करते हैं, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मान लो हमारे पास स्पीयर रहा और उस स्पीयर की जो डायमीटर है वो डायमीटर अब हमें मेजर करनी, तो हम क्या करेंगे, उस स्पीयर को यहाँ रख देंगे, ये स्पीयर है, ये सॉलिड स्पीयर है, उस स्पीयर को यहाँ रखेंगे और इसकी डायमीटर को हम मेजर करेंगे। सो जब हम इसके डायमीटर को मेजर करेंगे, तब हमारे सामने स्केल कुछ इस तरह से होगी, तो ये रही स्केल हमारे सामने, मैं लिख देता हूं स्केल किस तरह से होगी, तो ये रही स्केल हमारे सामने, ये मेन स्केल है, और ठीक इसके नीचे, ठीक इसके नीचे ये हमारी वर्नियर स्केल है, ये छोटी वाली, छोटी वाली। अब ध्यान दो मेजरमेंट कैसे करते हैं, सो जब हमने इसे फिक्स किया तो तब हमारे सामने मेजरमेंट कुछ, ये स्केल कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं विंडो, विंडो, ये वाली विंडो, ये वाली विंडो, ये वाली विंडो हमारे सामने कुछ इस तरह से होगी। मैं यहाँ पर लेता हूँ, सो मान लो यहाँ पर जीरो था, यहाँ पर जीरो था, वन टू थ्री फोर फाइव, और ये वाला फाइव, सिक्स सेवन एट नाइन, ये रहा वन, फिर हमने लिया 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, और ये रहा टू, और ठीक नीचे ये रही, तो ये तो हो गई हमारी मेन स्केल। अब ऐसे हम बोलेंगे MSR, मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, लिस्ट काउंट फाइंड करते समय हमें 1 MSD लेना था, और यहाँ पर भी हमारी VSR यानी वर्नियर स्केल रीडिंग। अब इस वर्नियर स्केल को अगर हम देखना चाहेंगे तो हमें ऐसे दिखेगी, देखो
ये वर्नियर स्केल, ये रही इसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इस तरह से। तो ये 10 डिवीजन यहाँ पर दिख रही। तो इसके रीडिंग्स कैसे लेते हैं, ध्यान देना, मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखता हूँ इसके टोटल रीडिंग्स का, ये जनरल फॉर्मूला है। अब ये रीडिंग का फॉर्मूला है, टोटल रीडिंग इज इक्वल टू होती है यम यस आर, यानी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, और इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लीस्ट काउंट से। ठीक है, जैसे कि मैंने मैं आपको बताता हूं, मानो हमारे पास कोई स्केल हो, ये वाली स्केल है हमारे पास 0 to 1, तो इस जो हम ऑर्डिनरी स्केल लेते हैं उस ऑर्डिनरी स्केल की लिस्ट काउंट तो हमने पता कर ली, ये रहा 1 शायद, ये रहा होगा कहीं 2, सॉरी और ये बदल जाएगा। तो हमने क्या किया, इस ऑर्डिनरी स्केल की लिस्ट काउंट को पता किया, तो जबकि इस ऑर्डिनरी स्केल का लिस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, और अब हम इससे लेंथ मेजर करेंगे। तो ये रहा रॉड हमारे सामने, अब आप मेजर करोगे इस रॉड की लेंथ, तो अब आप बताओगे इस रॉड की लेंथ कितनी है, तो आप बोलोगे सर इस रॉड की लेंथ है ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 10, 10 यानी 1 सेंटीमीटर, यानी आप बोलोगे इस रॉड की लेंथ है 1 सेंटीमीटर। तो ये होती है 1 सेंटीमीटर, क्या है ये 1 सेंटीमीटर, असल में इसकी टोटल रीडिंग है, और ये 0.1 सेंटीमीटर क्या है, ये इसकी लिस्ट काउंट है। तो उसी तरह से अब हमने इस स्पेयर को यहाँ प्लेस किया, जबकि हमें इसकी आउटर डायमीटर पता करनी थी, तो इसके लिए हमारे पास टोटल रीडिंग का फॉर्मूला है यम यस आर प्लस वी एस आर मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। अब आते हैं, जबकि ये फॉर्मूला हमारे पास, ये फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, इस फॉर्मूले से अब हम मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं एम एस आर कैसे फाइंड करते हैं। तो ध्यान देना, जब भी आप मेन स्केल रीडिंग मेजर करोगे तो वर्नियर स्केल की ये जो फर्स्ट लाइन होती है, ये जो फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन ऊपर देखना किससे मैच करती है, ऊपर देखो किससे मैच करती है, यस एनीवन बोलो, ये फर्स्ट लाइन का किससे मैच कर रही है, 0.18, वेरी गुड, ये 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, तो वर्नियर स्केल की ये जो फर्स्ट लाइन है ये मैच कर रही है 0.7 से, तो हमारी मेन स्केल रीडिंग होगी 0.7, ये आएगी सेंटीमीटर। बात समझ में आई, मैं फिर से बताता हूँ, देखो ध्यान दो, हमारी जो 10 डिवीजन थी, 10 डिवीजन, उन 10 डिवीजन में से जो फर्स्ट लाइन थी, उस फर्स्ट लाइन को देखना ऊपर किससे मैच कर रही है, इस डिवीजन से मैच कर रही, तो वो डिवीजन है 0.7, तो वो रही हमारी सेंटीमीटर। बात समझ में आई, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, जल्दी से माइक ऑन करके बोल देना। यस सर। ओके, वेरी गुड। अब ये तो सिंपल था हमारी स्केल की तरफ, अब आते हैं हम वर्नियर स्केल की तरफ। जबकि हमें इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट पता था, चलो बोलो ऑर्डिनरी हमारा जनरल इंस्ट्रूमेंट है, इस जनरल इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट क्या था, 0.01, वेरी गुड, 0.01 सेंटीमीटर जितना इसका लिस्ट काउंट था, तो इसे हम लिखेंगे लिस्ट काउंट की तरह, लिस्ट काउंट की तरह 0.01, ये रहा हमारा लिस्ट काउंट, वो भी था सेंटीमीटर, वो भी था सेंटीमीटर। अब आते हैं हम वर्नियर स्केल की, ध्यान देना, वर्नियर स्केल की सिर्फ हमें देखनी है कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिविजन्स, यानी अब जबकि हमारे पास कितने डिविजन है, 10 डिविजन है, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इन 10 डिवीजन में से कौन सी डिवीजन ऊपर से बिल्कुल पैरेलल होगी, बिल्कुल पूरी तरह से कोइंसाइड होगी। तो हम देखते हैं ये वन वाली लाइन, ये वन वाली लाइन ऊपर से बिल्कुल तरह से पैरेलल है, सही है,
देखो सिर्फ आपको देखना है कौन सी लाइन हमारी मेन स्केल को कोइंसाइड हो रही है, पैरेलल है, मैच हो रही है, तो उसे उसका सिर्फ नंबर लेना है। सो कितने नंबर की लाइन यहाँ पर पूरी तरह से मैच हो रही है, तो आप लिखोगे 1 नंबर की लाइन यहाँ पूरी तरह से मैच हो रही है। अगर कई बच्चों को ना दिखाई दे, मान लो कई बच्चों को दिखाई दे कि 1 नंबर की लाइन पूरी तरह से मैच नहीं हो रही, छोड़ दो 1 नंबर की, 2 नंबर देखो, क्या 2 नंबर की लाइन पूरी तरह से ऊपर मैच हो रही है? नहीं। फिर देखते क्या 3 नंबर की लाइन पूरी तरह से ऊपर मैच हो रही है? नहीं। फिर देखते हम 4 नंबर की मैच हो रही है? नहीं। फिर देखते हम ये 5th नंबर की क्या ऊपर अच्छे से मैच हो रही है? यस। तो हम लिखेंगे 5th नंबर। सिर्फ नंबर लेना है, उस डिवीजन का नंबर। अगर मान लो 5th नंबर की भी नहीं मैच हो रही, तो चलो चलते हैं हमारे क्या 6th नंबर की मैच हो रही है। अगर हो रही हो तो ले लेना, अगर नहीं हो रही तो आगे देखो, क्या 7 नंबर की मैच हो रही है? नहीं। 8 नंबर की देखो, 9 नंबर की देखो, लेकिन 1 to 10 के बीच, ध्यान दो 1 to 10 के बीच जो हमारी डिवीजन से एक ऐसी डिवीजन होगी जो ऊपर की डिवीजन को मैच करे। 1 to 10 के बीच एक ऐसी डिवीजन होगी जो ऊपर की डिवीजन को मैच करेगी ही, 1 to 10 के बीच, क्योंकि हमारे पास कितने डिवीजन थी? 10। सो 10 से आगे कोई डिवीजन थी नहीं, तो 1 to 10 के बीच में एक डिवीजन डेफिनेटली मैच करेगी। मैं फिर से लेता हूं, देखो फिर से लेता हूं, मानो ये हमने मेजरमेंट ले लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 0, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रहा 1 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9, और ये रहा 2, और यहाँ पर नीचे है मानो हमारी वर्नियर स्केल, और ये रहा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सो हमारे टोटल रीडिंग का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने। तो सबसे पहले देखना है MSR क्या है, तो सिंपल है ना, MSR जो हमारी वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन में से फर्स्ट लाइन जहां मैच होगी वो होगी हमारी फर्स्ट रीडिंग। तो फर्स्ट लाइन कहां मैच हो रही है बोलो जल्दी, MSR कितनी है बोलो। वेरी गुड, तो MSR आ चुके हैं 0.5। अब VSR लेनी है, तो आसान है, VSR लेनी है तो मतलब ये बची हुई 10 डिवीजन से सिर्फ ऊपर देखते चलो कहां पर मैच हो रही है। क्या 1 वाली ऊपर पर मैच हो रही है? नहीं। यस सर। क्या 2 वाली, देखो ना 1 वाली ऊपर मैच नहीं हो रही, ऊपर की लाइन से ऊपर ये नीचे वाली लाइन मैच नहीं हो रही, तो छोड़ दो। क्या 2nd वाली मैच हो रही है? नहीं। 3rd वाली देखो, क्या 3rd वाली मैच हो रही है? बिल्कुल हो रही है, तो 3rd वाली मैच हो रही है तो ले लेना 3rd। आई बात समझ में? अगर मानो कि 3rd वाली भी नहीं मैच होती, चलो आगे चलो, टेंशन की बात नहीं है, 4th वाली देखो, 4th वाली नहीं होगी, 6th और 5th वाली के देखो नहीं हो रही, 6th वाली देखो मैच हो रही है, ले लेना नंबर 6। अगर 7th वाली मैच हो रही है तो 7, जो फर्स्ट नंबर आएगा वही आपको लेना। बात समझ में आई बोलो जल्दी, बात समझ में आई? जो फर्स्ट वाला नंबर है उसे आपको लेना है। तो यहाँ पर अब हमारा कैलकुलेशन होगा 0.7 प्लस ये आने वाला है 0.01। सो अब हमारी टोटल रीडिंग होगी 0.71 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? ये असल वाला हमारा आंसर है, यानी आप बोलोगे डायामीटर ऑफ द स्पेयर इज 0.71 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी, बस इसे 2 से डिवाइड कर दो, तो ये मिल गई हमारी रेडियस। बोलो बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत वाली बात? जल्दी से बोलो। टोटल रीडिंग कैसे लेते हैं? टोटल रीडिंग इज इक्वल टू MSR प्लस VSR मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। फिर से बताता हूँ, MSR वो डिजिट लेनी है जो हमारी वर्नियर स्केल से फर्स्ट लाइन को मैच करे, और VSR वो डिविजन्स हमें लेनी है जो कोइंसाइड हो, जो मैच हो रही है। ये जो नंबर लेना है सिर्फ इसका नंबर, ये जो बची हुई 10 डिविजन है ना उसका सिर्फ नंबर लेना, सिर्फ देखना है 1 नंबर की हो रही हो, 2 नंबर की हो। ध्यान देना, वर्नियर स्केल हमेशा नंबर्स में आने वाला है, नंबर्स में, ऐसा नहीं कि वो 0.1 में आए, 0.2 में आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो हमेशा आने वाला है 1 to 10 के बीच का नंबर। बोलो बात समझ में आई?
क्या कोई दिक्कत वाली बात, बोलो जल्दी। अरे बोलो जल्दी, क्या कोई दिक्कत वाली बात? नो सर, नो सर। चलो ठीक है, अब हम इसके ऊपर प्रॉब्लम्स लेते हैं। सो ये रहा हमारे टोटल रीडिंग्स का फॉर्मूला, मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोटल रीडिंग, जबकि हमें पता चल चुका है लिस्ट काउंट फाइंड कैसे करें। तो टोटल रीडिंग्स होगी वन, सॉरी टोटल रीडिंग्स एम एस आर मेन स्केल रीडिंग प्लस वी एस आर मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्मूला है हमारे टोटल रीडिंग। अब चलते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर। सो ये रहा प्रॉब्लम आपके सामने, मैं इसे सॉल्व करने वाला हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लेना, थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम है। इन अ वर्नियर कैलिपर 10 VSD इज इक्वल टू है 9 MSD एंड 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। सो ये डेटा जो दिया है वो डेटा लिस्ट काउंट का है, ध्यान देना, समझ लेना, ये जो डेटा हमें दिया है वो डेटा असल में लिस्ट काउंट का है। आगे दिया है व्हाइल measuring the length of line, the zero of vernier scale is just ahead of 1.8 centimeter. Mark and fourth divisions of vernier scale coincides with a main scale divisions. और आपसे पूछा है the length of line is, option है 1.800 centimeter, option B है 1.840 centimeter, option C ये रहा आपके सामने 1.804 centimeter, और option D है 1.844 सेंटीमीटर। सो मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, ध्यान दो। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे दो फॉर्मूले लिस्ट काउंट का, वो रहा 1 MSD 1 minus m upon n। फिर हम लिखेंगे हमारे नेक्स्ट फॉर्मूला जो कि होगा टोटल रीडिंग का, यहाँ पर लेने वाले हम टोटल रीडिंग। सो ये रहा फॉर्मूला टोटल रीडिंग का फॉर्मूला होता है एम एस आर प्लस वी एस आर मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। सो जबकि हमें टोटल रीडिंग्स में लिस्ट काउंट का पता करना होगा, तो यहाँ पर कोई लिस्ट काउंट दिया नहीं है इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में कोई लिस्ट काउंट दिया नहीं है, लेकिन लिस्ट काउंट फाइंड करने के लिए यहाँ पर कुछ डेटा दिया है। तो सबसे पहले हम डेटा को पढ़ते हैं। तो डेटा क्या था, 10 VSD is equal to 9 MSD था, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10 VSD, उन्होंने दिया था 10 VSD is equal to 9 MSD, तो यह इस डेटा से हमें मिलती है M की वैल्यू और हमें मिलती है N की वैल्यू। चलो बताओ M की वैल्यू कितनी है, बोलो 9। वेरी गुड, M की वैल्यू है 9, N की वैल्यू कितनी है 10। वेरी गुड, 10। अब आगे आते हैं, यम और यन तो हमें पता चल चुका है। फिर आगे दिया था 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल
इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, यानी 1 सेंटीमीटर जबकि हमें 10 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो इसे हम लिखेंगे 1 MSD की वैल्यू जब हमें पता करनी होगी तो वे 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट्स में डिवाइड किया था। बोलो सही है, बोलो yes. क्या ये सही है, 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो 1 MSD की वैल्यू कितनी होगी, 0.1 सेंटीमीटर। सो अब हमारे पास लिस्ट काउंट फॉर्मूला बन चुका है, 0.1 ये रहा सेंटीमीटर में, फिर 1 माइनस ये रहा 9, ये रहा 10। अब बताओ लिस्ट काउंट कितना आएगा, 0.01। वेरी गुड, 0.01 सेंटीमीटर। यानी ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर वाला इंस्ट्रूमेंट है। आई बात समझ में? यस सर। चलो बात समझ में आई, ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है हमारा, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा पर। सो नेक्स्ट डेटा क्या कहता है, देखो, व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन, जब भी कोई लाइन होगी लेंथ, उसकी लेंथ अगर हम मेजर कर रहे हैं तो हमें मिलता है जो जीरो था वर्नियर स्केल का, हाँ ये जीरो जस्ट अहेड ऑफ 1.8 सेंटीमीटर मार्क। यानी मानो ये हमारी कोई मेन स्केल होगी, इस मेन स्केल पर ये हमारा 1.8 सेंटीमीटर था और यहाँ पर ये जस्ट जीरो से आगे था, जस्ट जीरो से आगे, तो यहाँ पर 1.8 होगा और यहाँ पर 1.9 होगा, और ये जीरो किसका था, तो ये जीरो था हमारे वर्नियर स्केल का। तो मैंने बताया ये जीरो जहां पर मैच करे, या जीरो की आगे की वाली टर्म्स, अगर जीरो मैच नहीं हो रहा, ध्यान दो, अगर जीरो मैच नहीं हो रहा तो जीरो से आगे वाली टर्म्स को ले लेना एज योर मेन स्केल रीडिंग। अगर जीरो मैच नहीं हो रहा, ध्यान दो, मैं फिर से बताता हूँ, अगर जीरो, मानो यहाँ पर 1.8 था, वहां यहाँ पर 1.9 सेंटीमीटर था, अगर जीरो मैच नहीं हो रहा तो ये आगे वाली टर्म्स, ये आगे वाली टर्म्स सब लेनी है आपको MSR की रीडिंग। तो अब बताना यहाँ पर MSR कितना है, बोलो MSR कितना है, ध्यान दो, सिंपल, बिल्कुल आसान है, वो हमेशा सेंटीमीटर में दिया होगा, MSR हमेशा सेंटीमीटर में होगा, तो इसमें कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। MSR होगा हमारा 1.8 सेंटीमीटर जितना, बात समझ में आई, MSR ही सिर्फ हमारा सेंटीमीटर में है, VSR सिर्फ नंबर है, वो कभी भी आपको सेंटीमीटर में नहीं दिया होगा। तो MSR कितना आया, 1.8 सेंटीमीटर। अब चलते हैं VSR की तरफ, VSR की तरफ डेटा को देखते चलो, और उन्होंने कहा था कि जो फोर्थ डिवीजन थी किसकी, वर्नियर स्केल की, वो कोइंसाइड हो रही है MSD के ऊपर, यानी वर्नियर स्केल का जो नंबर था वो कितना था, 4। सो बस हमारे सामने अब सब डेटा रेडी है, सो टोटल रीडिंग्स हो जाएगी, टोटल रीडिंग्स है MSR कितना है, 1.8, VSR कितना है, 4, सो ये लिस्ट काउंट कितना रहा, 0.01। तो ये आता है 1.8 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी नॉट मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, तो ये रहा प्लस 0.04, तो आपका आंसर होगा, और ये रहा 1.804 सेंटीमीटर। बात समझ में आई, सो आंसर ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन सी। ओके, क्या कोई दिक्कत वाली बात, बोलो जल्दी, क्या कोई दिक्कत वाली बात है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जो डेटा दिया था उस डेटा से सिर्फ हमने फाइंड किया लिस्ट काउंट, सो सबसे पहले उन्होंने दिया था 10 VSD = 9 MSD, सिर्फ लिख लिया, यहाँ से हमें यम और यम की वैल्यू मिल चुकी। फिर आगे कहा था 1 सेंटीमीटर जो कि 10 पार्ट्स में डिवाइड था, तो 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, लिस्ट काउंट को फाइंड किया, लिस्ट काउंट आया 0.01 जो कि ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट का था। फिर आते हैं टोटल रीडिंग्स के ऊपर, सो टोटल रीडिंग्स का फॉर्मूला नोट डाउन किया, और आगे उन्होंने दिया था कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज जस्ट अहेड ऑफ 1.8 सेंटीमीटर, सो आगे वाली कोई भी टर्म सेंटीमीटर में नहीं थी, सिर्फ यही टर्म्स हमारी सेंटीमीटर में थी, तो ये हो गई हमारी MSR की वैल्यू, MSR कितनी है, 1.8 सेंटीमीटर।
और वर्नियर स्केल का नंबर दिया था कितनी डिविजन्स थी, फोर्थ वाली डिविजन्स, तो ये लिख लिया हमने, फोर सॉल्व किया, हमारा आंसर आया 1.804। क्या कोई दिक्कत वाली बात, बोलो जल्दी। 0.84 सर, 0.84 है तो ना सर, 0.84 और ये रहा 0.04, एडिशन करना ही ना, तो ये रहा 4, ये रहा 8, हाँ वेरी गुड, 1.84 आता है, 1.84, तो 1.84 ऑप्शन सेकंड, ओके वेरी सॉरी, ऑप्शन सेकंड, ठीक है, ऑप्शन सेकंड 1.840। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, बोलो जल्दी, क्या कोई दिक्कत वाली बात, स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, देखते कितने बच्चे अब इसे सॉल्व कर पाते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका, तो ये रहा प्रॉब्लम आपके सामने आपके लिए। सो ध्यान देना, प्रॉब्लम है जेई एडवांस 2013 का, तो उस टाइम एडवांस क्वेश्चंस, एडवांस की जो एग्जाम थी वो मेंस और एडवांस ऐसे अलग अलग होते थे। सो क्वेश्चन रहा आपके सामने, द डायमीटर डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर with no zero error। ध्यान दो, no zero error है, यानी instrument में कोई भी error नहीं होगा। अगर ये word नहीं दिया हो no zero error, तो आपको error find करना होगा, और error कैसे find करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, कोई tension मत लेना। It is found that the zero of the vernier scale lies between 5.10 centimeter and 5.15 centimeter of the main scale. Again, the vernier scale has 50 divisions। देखो मैंने कहा था कोई 10 डिवीजन दिया हो, कोई 20 हो, कोई 50 हो, ऐसा कंपलसरी नहीं होगा, जो आप प्रॉब्लम में दिया होगा वही डेटा हमें लेना है। तो यहाँ पर 15 डिवीजन था, 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू 2.4 सेंटीमीटर। आगे दिया है द 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल is exactly coincides with one of the main scale division, the diameter, आगे दिया है, आपसे पूछा है the diameter of सिलेंडर इज, ऑप्शन ये रहे आपके सामने, ऑप्शन फर्स्ट है 5.112 सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकंड है 5.136 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन सी ये रहा 5.124 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी है 5.148 सेंटीमीटर। चलो सॉल्व करो, आंसर बताना।
ऑप्शन सी। अच्छा, किसी ने कहा है ऑप्शन 5.124 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। कैसे सॉल्व किया सर? अब हमको एमएसडी 5.10, वीएसडी इज इक्वल्स टू 1 और एलसी 50 डिवाइडेड बाय 2.4, तो वो आता है 0.24, तो उसके फॉर्मूले डाला तो वो आंसर आ गया। लिस्ट काउंट बताना कितना है, लिस्ट काउंट 0.24 ये लिस्ट काउंट आया? नो सर, हम बताते हैं लिस्ट काउंट कितना आया सर। भोसले, हाँ भोसले, मराठी में बोल सकते हो। 0.001, वेरी गुड भोसले। 0.001 आया, 0.001 सेंटीमीटर। वो कैसे फाइंड किया? एमएसडी कितना आया बोलो, एमएसडी कितना आया? एमएसडी 0.049। और किसी का है? प्रांजल, यस सर, आंसर आया? नहीं सर अभी। चलो ठीक है, हम इसे सॉल्व कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बच्चों ध्यान दो। तो यहाँ पर उन्होंने दिया था कि जो जीरो था वर्नियर स्केल का, मानो ये कोई हमारी मेन स्केल होगी और यहाँ पर ये जीरो था वर्नियर स्केल का, ये कहीं बीच में था 5.10 सेंटीमीटर और 5.15 सेंटीमीटर। सो ध्यान दो, जब भी हम लिस्ट काउंट फाइंड करते हैं तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD = 1 - m/n, जबकि हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा 1 MSD कितना है, जो कि प्रॉब्लम में नहीं दिया। आप पूरा प्रॉब्लम भी पढ़ोगे ना तभी आपको प्रॉब्लम में कहीं भी दिखाई नहीं देगा कि 1 MSD की वैल्यू है। लेकिन हम इस गिवन डेटा से तो एमएसडी की वैल्यू पता कर सकते हैं, यानी ये रहा 5.10, ये रहा 5.15, तो इन दोनों के बीच में कहीं तो एक डिवीजन होगी ना, यानी इसका डिफरेंस लेना है सिर्फ 5.15 - 5.10, तो ये आता है 0.05 सेंटीमीटर में। तो ये मिल गई हमारे पास 1 MSD की वैल्यू। ध्यान दो बच्चों, हमेशा 1 MSD दिया हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, गिवन डेटा से भी आप फाइंड कर सकते हो 1 MSD कितना है। तो इन दोनों का डिफरेंस लिया मैंने, वो आता है 0.05 सेंटीमीटर जितना, और आगे दिया था 50 डिविजन्स इज इक्विवेलेंट टू 2.4 सेंटीमीटर, यानी 50 डिविजन्स ऑफ वीएसडी इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर ऑफ एमएसडी। बस यहाँ पर इससे एन वैल्यू मिल चुकी है 50, एम वैल्यू मिल चुकी है 2.4, बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो और आपका लिस्ट काउंट आने वाला है 0.001 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? बात समझ में आई? यस सर। ओके, सो अब हमारे पास लिस्ट काउंट है, अब हम आते हैं टोटल रीडिंग्स के ऊपर। सो टोटल रीडिंग्स थी हमारी एमएसआर प्लस वीएसआर मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। सो ध्यान दो, MSR कितना था? जीरो से आगे की जितनी भी वैल्यू, जीरो से आगे का कौन सा था? फाइव, जीरो से आगे कौन सा था? 5.10, तो ले लेना 5.10। VSR कितना था? दिया था 24 नंबर, सो 24 मल्टीप्लाई बाय 0.001 सेंटीमीटर। सो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5.10, ये आएगा 0.024। अब इसे सॉल्व कर लेना, वो आने वाला है आपका आंसर 5.124। बोलो सही है? Yes, क्या कोई दिक्कत वाली बात? बोलो जल्दी क्या कोई दिक्कत वाली बात? इस तरह से हम फाइंड करते हैं लिस्ट काउंट को, इस तरह से हम फाइंड करते हैं रीडिंग्स को, टोटल रीडिंग्स को। होप सो आप सभी को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अब क्या करो, आपके पास नोट्स हमने दिए है, तो नोट्स दिए तो सबके सब टास्क सॉल्व करो, एक्सरसाइज सॉल्व करो और उसके डाउट्स मुझे आज 5 PM से पहले आने चाहिए।
अब जितने भी टास्क है एक्सपेरिमेंटल वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर, एरर्स के ऊपर, सब टास्क सॉल्व करो, टास्क वन सॉल्व करो, टास्क टू सॉल्व करो, टास्क थ्री सॉल्व करो और मुझे डाउट सेंड करो। काफी बच्चों ने मुझे डाउट सेंड किए लेकिन काफी भी बच्चे अभी बाकी है। सो अब हम इस वर्नियर के सेक्शन की बात उनके उन डाउट्स को डिस्कशन में लेने वाले। तो चलो मिलते हैं कल के लेक्चर में, माइक्रोमीटर्स टू गेज को डिस्कस करेंगे और इसके जीरो एरर को फाइंड करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहेगा और डाउट्स मुझे सेंड कीजिए। सैटरडे का रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएगा आज, आज आपको सब लेक्चर मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।